नमस्कार, मैं साक्षी सिंह स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में। तो आज हमारे साथ हैं एक नए जीएसके के साथ हम आज इंटरव्यू करेंगे, जो हमें बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तो प्रवीण तानाजी सरदे जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे चैनल पे, एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए इतना कीमती वक्त अपना निकाला और आप इंटरव्यू के लिए आए। तो सर, आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कैसे हैं और आप क्या करते हैं। मेजरली मैं जीएसटी सुविधा केंद्र का फ्रेंचाइजी हूँ और इसमें मैं मेजरली एपीओ, मनी ट्रांसफर, पैन कार्ड और जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये मेजर सर्विसेज में यूज करता हूँ। इसका मतलब ये माना जाए कि आप यूटिलिटी और जीएसटी और टैक्सेशन में ज़्यादा बिजनेस करते हैं। जी, तो सर कहाँ खोला आपने अपना बिजनेस? औरंगाबाद, बालू जयमाड़ी, महाराष्ट्र। अच्छा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो सर ये बताइए कि आपने कभी भी हेड ऑफिस विजिट किया है? नहीं मैडम। अच्छा, तो सर मतलब सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। तो सर आपको भरोसा कैसे हुआ कि मतलब बिना विजिट किए और आपने मतलब भरोसा बिल्डअप कर लिया, आपने लाइसेंस ले लिया? मेरे एक दोस्त से, उन्होंने ऑलरेडी लिया है फ्रेंचाइजी। अच्छा, मतलब आपके दोस्त ने लिया हुआ है और आपने फिर उन्हीं को देख के। तो सर ये बताइए कि जब आपने फ्रेंचाइजी ली तो आपको पूरा सपोर्ट मिला था आपका बिजनेस एस्टैब्लिश करने में? यस जी, पूरा सपोर्ट मिला। सर कितना टाइम हो गया आपको जीएसटी सुविधा केंद्र से जुड़े हुए? हम लास्ट 2 इयर्स हैं विद जीएसटी सुविधा केंद्र। लास्ट 2 इयर्स से आप जीएसटी सुविधा केंद्र के साथ हैं। तो सर ये बताइए कि मतलब आपने जब लाइसेंस लिया तो आपको पता होगा कि 400 एंड प्लस सर्विसेज जीएसटी सुविधा केंद्र प्रोवाइड करता है, राइट सर? तो जो ये सर्विसेज हैं, इनमें से कौन सी सर्विसेज हैं जो आपको बेनिफिशियल लगती हैं, जो आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अभी तो आप केवल यूटिलिटी और जीएसटी टैक्सेशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, बट आप आगे फ्यूचर में कौन से बिजनेसेस एक्सपैंड कर सकते हैं? अकाउंटिंग में भी मोस्टली उसमें स्कोप है मेरे लिए, अकाउंटिंग में जी, यहाँ पे एमआरडीसी एरिया है तो अकाउंटिंग का भी मेजर मैं ट्रैक कर रहा हूँ। ओके, बताइए कि एज ए जीएसके आपको जीएसटी सुविधा केंद्र की तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? क्या एज ए जीएसके आप जीएसके हैं तो आपको जीएसटी सुविधा केंद्र की तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? बेनिफिट्स तो ये कि उनका जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो एकदम क्लियर है जी, यानी कि पीएस मनी ट्रांसफर जो करता हूँ उसमें जी सर क्लियरली मेंशन रहता है जी। बाद में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं जी सर, तो उन्होंने पूरा क्लियर दिया हुआ है तो उसमें क्या चाहिए, कस्टमर से क्या मंगवाना है, बिल्कुल सब डिटेल्स में दिए। और अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते भी है तो उसके लिए कस्टमर से कैसे करवा के लेना है इसका भी उसमें क्लियर मेंशन किया हुआ। समझ गए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको मतलब एक तरह से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो सर ये बताइए कि जब आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप उसको क्या क्या बेनिफिट्स देते हैं? बेनिफिट्स रिगार्डिंग बेनिफिट्स जैसे कि आप सर्विसेज तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, बट कभी कभी होता होगा ना कि आप उसको थोड़ा बहुत मतलब क्योंकि वो आपका रेगुलर कस्टमर है तो आप उसको कुछ डिस्काउंट या कुछ कैशबैक ऑफर वगैरह देते होंगे? डिस्काउंट तो ऑलरेडी मैं उनको जो स्ट्रक्चर है जीएसटी का वो तो बता देता हूँ, तो नहीं मेरा कुछ अगर 50-100 रुपए ज़्यादा ज़्यादा मैं उसमें ऐड करके उनको वही डिस्काउंट में दे देता हूँ, क्योंकि जो जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें ही मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ। इसका मतलब हाँ, मतलब आप मार्केट वैल्यू से बहुत ही कम प्राइस पे उनको चीज़ें सर्विसेज दे रहे हैं, राइट? तो सर बाहर अभी अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने जाओगे जी तो मिनिमम 2000 के नीचे कोई नहीं ले सकता, अगर सीए के पास जाओगे तो 3000 तो मिनिमम ले सकता, लेकिन वही अगर मैं इसमें से करता हूँ तो उनको 800-1000 के अंदर ही पूरा सर्विस दे देता। ओके, दैट्स वेरी नाइस सर, क्योंकि बहुत इससे बहुत लोगों की मदद हो जाती है। तो सर ये बताइए कि जब आपने अपना बिजनेस सेटअप किया और कभी भी कोई भी बात आती है तो क्या आपको जब भी आप यहाँ पे कस्टमर केयर से बात करना चाहें तो क्या आपको इजी एक्सेस मिलता है, ईमेल या व्हाट्सएप इन सब पे अवेलेबल रहते हैं? मेजरली तो मैं कॉल ही कर लेता हूँ तो विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स रिटर्न कॉल बैक आ जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो सर कभी ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर गए हैं शॉर्ट विजिट के लिए या कहीं घूमने गए हैं तो आपका बिजनेस हैम्पर हो रहा हो? नहीं, ऐसा तो मेजरली नहीं होता है जी। तो सर आप ये हमारे घर पे जो
मैं खुद तो यूज करता ही हूँ, जी हमारे घर वाले भी यूज करते हैं, पिताजी, उनको भी पता है, अच्छा, हैम्पर तो नहीं होता है कुछ भी। इसका मतलब एक तरह से फैमिली बिजनेस है। उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इस पे जाके एक क्लिक करना है तो ये हो जाए, जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतना इजी है कि घर में कोई भी हैंडल कर सकता है। अगर आप नहीं है तो आपकी गैर हाजिरी में बिजनेस नहीं रुकेगा, राइट सर। तो सर ये बताइए कि आप केवल और केवल जीएसटी सुविधा केंद्र का बिजनेस करते हैं या साथ में कुछ जॉब या कोई और बिजनेस भी करते हैं? नहीं, सिर्फ जीएसटी सुविधा केंद्र और मल्टी सर्विस का मैं शॉप है, अच्छा तो बाकी के भी काम मैं कर लेता हूँ, पीएफ का वगैरह ये जो है उसके भी जी, काम चालू है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि मतलब एक ही डोमेन में नहीं है आप, काफ़ी ज़्यादा मल्टी डोमेन आपने करा हुआ है। तो सर ये बताइए कि अभी आप मतलब जीएसटी सुविधा केंद्र के बिजनेस से आप कितना अर्न कर लेते हैं? 10 to 15 10 to 15, मतलब ये साइड बिजनेस है आपका और उससे आपको 10 to 15 की इनकम हो रही है। तो ऐसा फीडबैक जो आप जीएसटी सुविधा केंद्र को देना चाहते हो? मतलब, तो ऐसा कोई जितने भी सर्विसेज लिए वो तो प्रॉपरली क्लियर हो गए, जी कोई इशू तो अभी तक आया नहीं। मुझे भी जो है आधार पे का जो सिस्टम चालू किया है वो एकदम बढ़िया लगा मुझे। एक था कि वो मोबाइल एप्लीकेशन नहीं हुआ, वो हाँ, मोबाइल थोड़ा एप्लीकेशन भी आ गया है सर, बहुत जल्दी आ जाएगा क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन का प्रोसेस पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा। पेटीएम का भी मेरे पास है, जी उनका भी मैंने सर्विस लेके रखा है, सीएससी भी मेरा ऑलरेडी है, ओके तो उसमें मुझे कैसा फोन पे, क्योंकि लैपटॉप तो मेरे पास एक ही है, तो अगर फोन पे रहेगा तो 2-3 इस पे इंस्टॉल करके मैं पिताजी की इस पे कर सकता हूँ, घर वालों की इस पे कर सकता हूँ, तो कस्टमर उसके लिए रुक नहीं पाएगा, तो मैं इस पे ज्यादा फोकस कर पाऊंगा। यूपीएस मनी ट्रांसफर जो मेरा मेन है जी तो उसमें ज्यादा उसमें फोकस कर पाऊंगा उसके लिए। बिल्कुल सर, हाँ ये तो है। बाकी इसीलिए आप लोग की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप भी आ चुका है और उसके रिगार्डिंग भी आप लोग को बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप लोग वो एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर पाएंगे अपने फ़ोन में। जी अब आपसे एक लास्ट आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी मैं। कुछ लोग कहते हैं कि जीएसटी सुविधा केंद्र काम नहीं करता, तो ऐसे लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, अभी तक तो मेरा जो एक्सपीरियंस है जी कि मैंने जितने भी सर्विसेज लिए वो पूरे एंड तक उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। अगर जी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए उन्होंने भी वेट किया है, कस्टमर से डॉक्यूमेंट रिसीव होने तक जितना भी समय लगा है वो पूरा उन्होंने क्लियर किया, जी तो मुझे तो नहीं लगता है कोई दिक्कत आती है उसमें। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। सर मैं आपसे अब विदा लेती हूँ। आपने आई जस्ट होप कि जो लोग भी हमारा ये वीडियो देखेंगे उनके बहुत सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होंगी और आपने हमें अपना इतना ज़्यादा कीमती वक्त दिया, इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। नमस्ते। ये थे प्रवीण तानाजी सरदे जो महाराष्ट्र के हैं और काफ़ी खुश हैं अपने बिजनेस से क्योंकि साइड इनकम से इनकी अच्छी खासी कमाई हो रही है। तो और साथ ही साथ इनके कहीं भी होने से एक बिजनेस कभी हैम्पर नहीं होता क्योंकि इजीली इनके घर में हर एक मेंबर को पता है कि कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है, इस बिजनेस को कैसे हैंडल करना है। तो अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसा बिजनेस सेट करना जो आपके आपको हर वक्त सपोर्ट देता रहे, आपके बैकेट में हमेशा कोई ना कोई रहे, साथ ही साथ आप उस बिजनेस को आगे एक्सपैंड कर सकें, फैमिली बिजनेस बना सकें, तो आप अभी के अभी जीएसटी सुविधा केंद्र की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, वो भी बहुत मिनिमम से प्राइस में। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जीएसटी सुविधा केंद्र कैसे काम करता है तो उसके लिए भी डेमो लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप इसके रिगार्डिंग कुछ भी चाहते हैं तो इसके लिए आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको बस एक कॉल करना है टोल फ्री नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे पॉपअप हो रही होगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी ये टोल फ्री नंबर दिया गया है। और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gstsuvidhakendra.org भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आप कोई रिलेटेबल वीडियोज़ देखना चाहते हैं या आप किसी और रिलेटेबल टॉपिक पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में मेंशन कीजिए, साथ ही साथ अपनी क्वेरीज़ भी मेंशन कीजिए। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।